आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ Hello students let's start the question question here is chromosome number of पेरेंट इज कंज़र्व्ड इन द डॉटर सेल्स इन इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो क्रोमोजोम नंबर है पेरेंट का वो कंजर्व होता है डॉटर सेल्स में गिवन ऑप्शन में से कौन सी डिवीजन में स्टार्ट करेंगे ऑप्शन फर्स्ट से जो दिया गया है इक्वेशनल डिवीजन इक्वेशनल डिवीजन की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं बिकॉज इसमें क्रोमोजोम्स जो हैं वो रेप्लीकेट होते हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन द डॉटर सेल तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल सही होता है राइट बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो हैं दोनों डॉटर सेल में यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं मीन्स जो क्रोमोजोम का नंबर है पेरेंट में वो कंजर्व हो रहा है डॉटर सेल में ओके आफ्टर दैट देखेंगे सेकेंड ऑप्शन जो दिया गया है मियोसिस मियोसिस की अगर हम बात करें तो इसमें जो क्रोमोजोम का नंबर है डॉटर सेल में वो रिड्यूस होता है अप टू हाफ दैट ऑफ दियर पेरेंट सेल आफ्टर दैट देखेंगे थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है रिडक्शनल डिवीजन रिडक्शन डिवीजन जो है ये हमारी मियोसिस ही होती है और जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है डॉटर सेल का वो रिड्यूस होता है टू हाफ दैट ऑफ द पेरेंट सेल लास्ट ऑप्शन दिया गया है ग्यामिटोजानसिस गैमिटोजानिस जो है इसके दौरान फॉर्मेशन होती है गैमिट्स की और गमीट्स जो है ये हमारे